ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਦੇਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਮਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਰਾਣੀਕਾ ਬਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। मैं संदीप चौहान जी 8 तरीक नूं मालटोन मंदिर विच यश अंकल दे नाल बड़ा अत्याचार किया। यह बदमाशी जुगल किशोर शर्मा जी ने घट्टो घट्ट 3 वारी तीजा कांड होया। पहले भी 2 वारी उन्होंने मंदिर च बदमाशी की सी। असी कारण जी पहले इत्थे जी अपना पम्मा जी सीगे उन्हां नाल हथ चलाकी की, उन्होंने चपेड़ा मारियां सीगियां। दूजा उन्होंने निशाना बनाया, इतने भैन साडी की है उन्होंने मुंडिया नाल उन्होंने झगड़ा किया। तीजा कांड बनाया इन्होंने यश बाऊ जी नूं चपेड़ा मारियां वा। असी यह बदमाशी मंदिर च नहीं सहन करांगे जी। इस कारण अही ट्रस्ट भंग करन दी अपील करदे आ। जिदन 8 तरीक नूं अही बैठे सीगे राती 2 बजे तक उन्होंने सारे नूं विश्वास दिता सीगा कि ट्रस्ट भंग हो गई है प्रधान जी ने, पर 8 अज 1 हफ्ता हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना जुगल किशोर गुमटाले नूं फड़िया गया, ना कोई ट्रस्ट भंग हुई है। जदों तक ट्रस्ट भंग नहीं होएगी असी इत्थे बैठे हाँ। हफ्ता लगे, 10 दिन लगन, 2 महीने लगन, अही इत्थे बैठे हाँ जी। जय माता दी। सीसीटीवी च फुटेज है जी, सारी फुटेज हैगी जी, जिहड़ी इन्होंने बदमाशी की मंदिर। जुगल किशोर गुमटाला जी जी ट्रस्टी ने, वाइस प्रेजिडेंट ने अपना ट्रस्ट विच जी, हाँ खुद मारिया चपेड़ा। सीसीटीवी फुटेज सारा स्टोर है अपना, सीपी साहब को भी है फुटेज गई हुई है जी। जय माता दी। पुलिस वालों हले तक कोई कार्रवाई की नहीं गई जी, कुछ पर्चा दर्ज होया तो बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई जी। पुलिस टोटल है 5 जने का ग्रुप हैगा जी, जिहड़ा अपने बदमाशी करांदे मंदिर च, छोटी छोटी गल तो बदमाशी करांदे ने, संगत नाल बहस दे ने। एक अजीतपाल है वो बड़ी बदमाशी करन दिया वा, सुभाष है अपना सैनी है, सारे ग्रुप इन्हों का 4-5 ट्रस्टी ने जिहड़े अपनी बदमाशी करन दे मंदिर जी। पूरी संगत इत्थे बैठी है, बदमाशी मंदिर च नहीं होण देनी, ना होवेगी तो ना होण देनी जी। असीं बदमाशी नवे ट्रस्टी बने जी, बस अपनी अपनी बदमाशी करन दे ने। अज राम तीर्थ के 8.5 लाख रुपए का इन्होंने समान मंगा लिया, सरिया मंगा लिया, बिल पास कर ले अपने रिश्तेदारा को, बिल सरिया मंगा लिया, बिल पास हो गए ने, सरिया उत्थे रुलन दिया वा। यह देखो तुसी इत्थे फोटो देखो तुसी, इत्थे भी अज लोहा आया था, 2.5 लाख रुपए का लोहा आ गया वा शैड पाने लई। ठीक है जी, किसी की कोठी अगे शैड पा नहीं सकते, 2 बंदे अपनी मर्जी ना उठ के जी शैड पा लगे हैं जी। और तो लड़ाई हुई है जश बाऊ जी ने, इन्होंने चपेड़ा मार दिया। कोई बदमाशी मंदिर च नहीं सहन होने देनी, जो मर्जी हो पैसे का बड़ा कुछ कर रहे जी। पैसे का अं कि बारे कुछ नहीं कहना, अही ट्रस्ट भंग करनी है साडा मुद्दा है जी। अं ट्रस्ट जिनी देर भंग नहीं होगी अं नहीं इतों उठा जी। यशपाल जोशी झगड़ा 8 तरीक न शाम 7 बजे के करीब मैं रोज़ के रूटीन के मुताबिक माता जी लैन वास्ते अंदर गया तो दफ्तर च ऑलरेडी 5-6 ट्रस्टी बैठे से। तो मैं विक्रम बाबू जी सब तो अगे बैठे से, उन्होंने मैं क्या जी सारे चीज़ों के खर्चे तुम अपने आप ही करी जाते हो, किसी ने कुछ भी लिया करो। वो सरिया पे सामने, वो सरिया बगैर ट्रस्ट की मतलब कि मंजूरी तो समान अपने आप ट्रस्टियां ने अपनी मर्जी ना मंगा लिया, वो शैड बनाने वास्ते सानू पता ही नहीं, ट्रस्टियां नू पता ही नहीं। असी मैं वाइस प्रेजिडेंट हाँ, मेरे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इस गल की कि भी समान आया वह आप शैड लाना कितने कोई पूछे बगैर। उस तरह ही बिल्डिंग का भी सौदा होया, वो भी मतलब ट्रस्टियां की कोई रिटन फैसला नहीं कि खरीद ली है या की होया, वो सारा कुछ बारो बारी काम हो जाता। वो एतराज़ किया तो एतराज़ करते उस नुक्कर दे विच जुगल किशोर जी जिहड़े कि सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ने, उन्होंने उठ के चपेड़ा मारनिया शुरू कर दिया, गालां कढ़िया उन्होंने, गाली गलोच किया नाल उन्होंने चपेड़ा मारिया। तो मैनू तकरीबन इस मंदिर के सेवा कर दिया, मैं अपने मूँह की कहना मतलब मैं एक छोटा जा सेवादार सी, परम पूजे माता जी ने साडे ते विश्वास किया, उन्होंने सानू ट्रस्ट च पाया। लेकिन अज तक कभी इहोजी गल्लां नहीं होईयां जिहो जिहियां हुण होणियां शुरू होईयां ने। मतलब ट्रस्टियां ने एक अपना ब्लॉक वक्खरा बना लिया, वक्खरा ब्लॉक दे विच अपने आप ही जो दिल करदा वो करी जाते हैं। नहीं पैसे दे रहा फिर इस बारे मैं कह सकता, मैं तुम्हें तो दस रहा जी, चीज़ मैं कह रहा मैं पूछे बगैर काम नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट कोई भी है तो सारे पूछ के गल होगी, यो जो गल मैं कहना, मैं उही मैं तुम्हें कहना मैं कि उन्होंने कुछ बंद ने अपना ब्लॉक वक्खरा बना लिया। मतलब ट्रस्ट में जदों के नवे ट्रस्टी पे ने उन्होंने दो हिस्सा उन्होंने वंडन की कोशिश की है। ये मैं ना नहीं ले सकता, ट्रस्टी ने श्री जुगल किशोर जी वो सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हाँ जी, सीसीटीवी FIR उत्थे पई, पुलिस कोल पई सारा कुछ, वो साडा कैमरा चलता है मंदिर का, फुटेज जी फुटेज सारा कुछ आया है।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਚੋਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿੜਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਸਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੈਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਦੀ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਓ, ਲੈਟਰ ਕੱਢੀਏ, ਲੈਟਰ ਕੱਢੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਰੂਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜੂਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁੰਡਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਾਲ 5-6 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਪੇਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ? ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁੰਡਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਮਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਠੀਕ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕਾਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।